तोते चैन, क्या हुआ? तोते चैन, तुम्हें वो पत्थर मिला या नहीं? हम्म, तुम्हें क्या हो गया तोते? मैं आ रहा हूँ। ये तोते चैन को अचानक क्या हो गया? मैं और गाजर लाता हूँ, ये भी ले जाता हूँ, ये भी इतने काफी होंगे। अच्छा, तो ये चक्कर है। कितनी अच्छी बात है। चलो, तोते चैन को भी कोई अच्छा लगने लगा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। चिंता मत करो, हमें पता है तुम्हें वो पसंद है। लेकिन वो खरगोश है और ये एक गोरिल्ला, तो फिर भला ये दोस्ती कैसे? मुझे जरा सोचने दो। उससे दोस्ती का ख्याल तुम्हें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अब भाई, आपने क्या कह दिया? ये सही कह रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम चिंता मत करो तोते, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब्बा, आप भी इसमें हमारी मदद करेंगे ना? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस मेरे ऊपर से उतर जाओ तो एहसान अपने आप उतर जाएगा। इतनी हिम्मत! मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता, दम है तो छू कर दिखा। तुम ठीक हो ना? शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। सुनो, तुम जा रही हो क्या? बाय बाय। फिर कब मिलेगी वो? तोते चैन की हालत तो देखो, उससे अपनी दोस्ती का हाथ उस खरगोशनी की तरफ बढ़ा देना चाहिए। अब ये काम तो तोते चैन ही कर सकता है। अच्छा लग रहा है ना? हमारी दोस्ती की निशानी। सपना देख रहा था। वो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी दोस्त को खोएगा? तुम ठीक हो ना?
होते चैन। चलो वापस चलते हैं। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाऊंगी। मैं जमकर खाऊंगा। तोते चैन अब काफी ठीक लग रहा है ना अप्पा? हाँ, और खुश भी लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। कौन द स्टोन एज बॉय जल्द लौटेगा। आई होप वरुण डजंट लैग बिहाइंड बिकॉज ऑफ हिज इनकम्प्लीट ग्रोथ। द रीजन बिहाइंड योर चाइल्ड्स इनकम्प्लीट ग्रोथ कुड बी हिज फसी ईटिंग। दैट्स व्हाई पीडियाश्योर इट्स 37 न्यूट्रिएंट्स हेल्प चिल्ड्रन ग्रो 1.5 टाइम्स फास्टर। पीडियाश्योर नाउ इन अ मिनी पैक ओनली फॉर ₹30। आप देख रहे हैं गॉन द स्टोन एज बॉय। मेहमत का बच्चा। अरे वाह मजा आ गया। हाँ तोते चैन कहाँ हो? यहाँ हूँ। अरे तोते चैन ये क्या कर रहे हो तोते चैन? कुछ सुना? मैंने किसी की आवाज सुनी। अरे ये तो मेहमत का बच्चा है। कर लो बात। ये मस्ती कर रहा है। हम कौन से कम है? अरे बाप रे शेर आ गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तोते चैन दिखाओ अपना कमाल। बस देखते जो तुम है तो आगे बढ़ो। आ जाओ तोते चैन। शेर को चुटकियों में हरा देगा। भागो। मेरा ये मतलब नहीं था। भागो। अरे रुक जाओ। भागो। तुम्हें मुझसे पंगा लेना था। बाऊ 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 मेहमत आ गया। बाऊ वो तुम्हारे अप्पा है। वो तो अम्मा है। मानना पड़ेगा तुम्हारी अम्मा तो सच में बहुत ताकतवर है। अम्मा अप्पा हम इस मेहमत के बच्चे को घर रख सकते हैं? इस मेहमत के बच्चे को? हाँ बिल्कुल है। लेकिन अप्पा इसकी अम्मा हम सबको शेर से बचाते हुए पहाड़ से नीचे गिर गई। अब इसका दुनिया में कोई नहीं रहा। ये यहाँ नहीं रह सकता। कौन तुम तो जानते हो ना हम घर में जानवर नहीं रखते। अगर तुम इसके साथ दोस्ती कर लोगे और जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम इसके खाने का इंतजाम कैसे करोगे? मैं नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं करोगे तो भी तुम्हारे अम्मा अप्पा इसे नहीं छोड़ने वाले। हाँ?
मुझे पता है ये बड़ा होकर बहुत ही टेस्टी मेहमत बनेगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तोते चैन, जल्दी से इसे यहाँ से कहीं दूर लेके चलो, जल्दी करो। नॉन, मैं नहीं चाहता बाद में इसका शिकार होने पर तुम्हें अफसोस हो। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तो हम इसके साथ ही इसलिए खुश है, बाद में इसका क्या होगा? अरे ये तो वही शेर है, ये फिर से टपक पड़ा। तोते चैन, इस बार इसे छोड़ना मत। इस बार तू नहीं बचेगा। आ जा। भागो। फिर गलत तरफ जा रहा है। आखिर इसकी अम्मा वापस आ ही गई। कितनी खुशी की बात है। पनौती का ठीक तो है ना? क्या हुआ? आजकल मेरे शिकार की टाइमिंग को जंग लग गई है। कोई बात नहीं अप्पा, लेकिन आप खाली हाथ घर जाएंगे तो आपको पता है ना अम्मा कितना गुस्सा करेंगी। हाँ मुझे पता है, इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो रहा शिकार, रुक जा रुक जा। वही 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 रुक जा। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना अप्पा? मैं आपको थालिया, ये क्यों थालिया मैंने? मेरा बेड लक ही खराब चल रहा है, हर काम में गड़बड़ हो जाती है, अब मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा अप्पा, चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है ये सब पनौती के एजेंट की वजह से हो रहा है। अच्छा तो ये बात है, ये मेरे गले पड़ा हुआ है। चलो भाई एजेंट, मेरी बहुत बैंड बजा ली, अब तो जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, तो चैन चुर हो जाओ। अब देखो मेरा कमाल। मेरी किस्मत सच में आजकल पांडिचेरी की चेरी खाने गई है। अरे तुम फिर से आ गए? तुम अप्पा के साथ साथ रहोगे, पर इस तरह कब तक रहोगे उनके साथ? आप इससे ऐसे बात करिए जैसे ये कोई मेहमान हो। अगर वो मेहमान नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे घर से निकाल दें। कुछ दिन रहने दो। तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो? ये बेड लक का एजेंट है, अगर ये हमारे साथ रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे आज खाने में क्या बनाया तुमने? खाने में आज तुम शिकार करके लाए नहीं और कल का खाना कुछ बचा नहीं। इस एजेंट का जल्दी कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वरना अगर यही हाल है तो पूरी जिंदगी भूख हड़ताल करके निकालनी पड़ेगी। समझ गए ना तोते चैन? समझ गया। अब तू नहीं बचेगा। अप्पा इसे कितनी दूर छोड़कर आना है? इतनी दूर कि ये वापस ही ना आ सके।
मेरे ख्याल से इतनी दूर काफी रहेगा। धीरे 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 भागो। काम आसानी से हो गया। सच कहा, हमने पनौती को भगा दिया, कल से सब ठीक हो जाएगा। ये फिर से आ गया। कैसे आ गया? असल में बहुत थका हुआ लग रहा था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। और तेज भागो, हमें इसे बहुत दूर छोड़कर आना है। अब ये वापस नहीं आना चाहिए। और दूर चलो। मुझे लगता है अब ये वापस नहीं आ पाएगा। फेंक दो। बैड लक का एजेंट। आ गया। ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा था। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने इस भूखे को सारा खाना खिला दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे इस पर बहुत तरस आता है। आवाज मत करो। बहुत अच्छे तोते चैन, चलो अब इसे कहीं दूर छोड़कर आते हैं। अब्बा, इतनी दूर काफी है ना? नहीं, थोड़ी दूर और चलो, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। अब ये यहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। गिर गई मुसीबत। चलो पीछा छूटा, अब ये कभी नहीं आएगा। कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम पहले की तरह चैन से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अब्बा ये देखिए, ये ठीक है ना? हाँ, इससे काम हो जाएगा। गॉन के अप्पा, मेरी एक बात सुनो। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से बैड लक के एजेंट से पीछा छुड़ा पाओगे। तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम इसे मेरी पीठ से उतार कर इस बोरे में डाल दो, बाकी मैं देख लूंगा। चलो, बहुत मुफ्त की सवारी कर ली। चलो चलो शुरू करो। अब तुम चल। दोबारा जरूर आना। वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो दोबारा आने के लिए कह रही। रोक कर लो बात। ओह, हमारे स्पेसशिप से कोई चीज टकराई है। क्या चीज हो सकती है? लगता है कोई आदमी है। मत के बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। आजा, 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 छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज। आजा, 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 ये आज है। हमने उस एजेंट को बेकार में भगा दिया। असल बात तो ये है कि शिकार करना अप्पा के बस की बात नहीं रही। आपने सही कहा। अरे, बैड लक का एजेंट, वो वापस आ गया। बच गया बैंड। पीको चांद के लिए बादाम इकट्ठे करने हैं। चाची, अरे पीको, कैसे आना हुआ? गॉन और तोती चंद कहाँ है? वो दोनों तो यहाँ पर नहीं है। नहीं है? मैं तो उन्हें अपने साथ बादाम इकट्ठे करने ले जाने आई थी, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। अम्मा, वो गई क्या? क्या हुआ, तुम्हें पीको के साथ जाना अब अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें बादाम इकट्ठे करना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम पहले एक बार उसके साथ गए थे। अरे थोड़ा तेज चलो। तोते चैन, थोड़ा और जोर लगाओ।
और कितना जोर लगाऊं? बादाम इकट्ठे करने के लिए मैं और गॉन काफी थे। तोते चंद, तुम्हें हमारे साथ आने की क्या जरूरत थी? बेकार ही हमारे पीछे पीछे रहते हो। चलो चलो चलो, जल्दी काम करो, बहुत बुरे काम करते हो, जल्दी करो जल्दी करो। और वो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करती है। ये सच है अम्मा? असल में पीको बहुत जिद्दी लड़की है और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुम यही हो? अरे पिको, पिको चल, फिर से आ गई। चलो जल्दी चलो, मुझसे छुप रहे थे। छोड़ दो। तुम दोनों ने आज खाना नहीं खाया क्या? तोते चाहे थोड़ा और जोर लगा। और कितना जोर लगाऊं? हम पहुंच गए। मैं तो बहुत थक गया। ऐसा क्या कर लिया जो तुम थक गए? आराम मत करो, उठो और फटाफट बादाम इकट्ठे करना शुरू करो। ये तुम क्या कह रही हो पीको? आराम करने दो। मैं तुम्हें यहाँ बादाम इकट्ठे करवाने के लिए लाई हूँ, फौरन काम पे लग जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा गुस्सा तुम जानते हो। अब जल्दी से काम पे लग जाओ। हम करते हैं, बादाम इकट्ठे करते हैं। पीको चैन, क्या है? यहाँ तो एक भी बादाम नहीं है। हमने सब जगह देख लिया। तो इसके लिए मुझे क्या परेशान कर रहे हो? जाकर उस पेड़ को हिलाओ, बादाम अपने आप नीचे गिर पड़ेंगे। शुरू हो जाओ तोते चैन। देखा कितना आसान काम है। पीको चैन, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गॉन। चलो हम मिलकर बादाम इकट्ठे करते हैं। रुको गॉन और तोते चैन, ऐसा करो तुम दोनों आराम करो, बादाम मैं इकट्ठे कर लूँगी। ला 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 ला। हाँ, ये पीको को अचानक क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ, मुझे कुछ हो गया है क्या? तुम बदल गई हो। मुझे भी लगता है। असल में बात यह है कि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे, इसलिए मैं जिद्दी पीको से अच्छे पीको बन गई हूँ। ये सच कह रही है? ये तो अजूबा है। हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ लाती हूँ। खाना कैसा है? बहुत अच्छा है, थैंक यू। लो कर लो बात। जब तक तुम दोनों खाना खा रहे हो तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा गाना गाती हूँ। नहीं, तुम्हें गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है पीको। हम उसे सुन नहीं पाएंगे। तुम अपना खाना खाओ। असल में ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे, इसलिए मैं जिद पीको से एकदम अच्छे पीको बन गई हूँ। लारी 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 रा। मुझे लगता है कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। अब इसका क्या होगा? खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना सेहत के लिए अच्छा होता है। क्यों, आराम मिल रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तोते चंद, तुम्हें ये पूछने की बात है? तुम ठीक हो ना पीको चैन? क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया पीको चैन? पीको पहले वाले पीको नहीं रही, उसके सिर पर फिर से बादाम गिर गए और इसलिए वो अच्छे पीको से सीधे पीको बन गई है। पीको इतना गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं है। गलत बात है। वक्त बर्बाद मत करो और बादाम इकट्ठे करो। अब ठीक है, मैं जरा सो लेती हूँ। वो कुछ देर पहले कितनी अच्छी हो गई थी, हमें कितना आराम मिला था। अब समझा, तुम पीको के ऊपर वापस बादाम गिरा दो तो वो फिर से अच्छी पीको बन जाएगी। बात में दम है। शुरू करो। ओए तोते चैन, क्या हो गया? कहाँ है वो जिद्दी और नकचड़ी पीको जो अभी अभी सोने के लिए गई है? जल्दी बताओ क्योंकि मैं अभी अच्छा गौर नहीं रहा। ओए तोते चैन, ये पीको इतनी देर तक क्यों सो रही है? उसे जगाओ और काम करवाओ। अगर तुमने उसे नहीं जगाया तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अच्छा गौन नहीं रहा, समझे? नहीं, मैं उसे नहीं उठा सकता। जल्दी उठाओ उसे और उसे उठाकर उससे काम करवाओ। कहाँ फंस गया? नहीं, मुझे अपने ये सुंदर गाल लाल नहीं करवाने। क्या कहा? तुम उसे जगा कर उससे काम करवा लोगे ना? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ, करवा लूँगा। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। अच्छी बात है बॉस। वो देख तो नहीं रहा ना? यहाँ से बादाम गिरेंगे उस पर, और यहाँ से गिरेंगे उस पर भी।
क्या किया जाए? आइडिया, गोन पर गिराता। ओए तोते चैन, तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गड़बड़ हो गई, ये क्या हो गया? ओए पीको, चलो उठो, जल्दी से बादाम इकट्ठे करना शुरू कर दो, बहुत देर सो ली तुम। असल में बात यह है कि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे और मैं जिद्दी पीको से अच्छे पीको बन गई। बादाम इकट्ठे करो। ओए तोते चैन, तुम भी इकट्ठे करो। हाँ, पहले थोड़ा और गिरा लूं। पीको, पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर बादाम गिर गए और वो जिद्दी पीको बन गई है। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं एक जिद्दी गर्ल से अच्छा गर्ल बन गया। पीको, फिर से गिराता हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे सर पर बादाम गिरे और मैं अच्छे कौन से सिद्धि कौन बन गया हूँ। इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिर गए, इसलिए मैं सिद्धि पीको से अच्छी पीको बन गई। पीको, पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर बादाम गिर गए और वो अच्छे पीको से सिद्धि पीको बन गई। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं सिद्धि कौन से अच्छा कौन बन गया हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे सर पर बादाम गिरे और मैं अच्छे कौन से सिद्धि कौन बन गया हूँ। इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिर गए और मैं सिद्धि पीको से अच्छी पीको बन गई। कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन सर पर पड़े तो दिमाग खराब भी हो जाता है। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं सिद्धि गोल से अच्छा गोल बन गया हूँ। अब तुम दोनों बस भी करो। उस्ताद शिकारी का हेलमेट। अरे इस हेलमेट के होते हुए मुझे शिकार हाथ नहीं लगा, पहले तो इसकी बात ही अलग हुआ करती थी। उस समय तो मैंने इसे अच्छी तरह मंत्र फूंक कर तैयार किया था। मुझे लगता है कि इसमें अब भी कुछ ताकत बाकी है। बहुत भूख लगी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि हेलमेट के होते हुए मुझे खाना नसीब क्यों नहीं हो रहा है। हमने जंगली तपीर का शिकार किया। सुनो, क्या तुम मुझे ये जंगली तपीर दे सकते हो? क्या, हम क्यों दे? तो हमने पकड़ा है। हमने, मुझे पता है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये लो। क्या, हेलमेट? लेकिन इस हेलमेट को तुम कोई मामूली हेलमेट समझने की गलती मत करना। इस हेलमेट में उस्ताद शिकारी का आशीर्वाद और उसकी सारी ताकतें हैं। अगर तुम इस कमाल के हेलमेट को पहनोगे तो तुम भी उस्ताद शिकारी बन जाओगे। सच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची। तो आप क्यों नहीं इसे पहन लेते अंकल? क्या आप उस्ताद शिकारी नहीं बनना चाहते? मुझे पता है इसमें कोई ताकत नहीं है। इसमें ताकत है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर आप इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? वो इसलिए क्योंकि ये बच्चों का हेलमेट है। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही समझदार लगता है। अच्छा, तो ये बात है, अगर ये बच्चों का हेलमेट है तो बच्चों को ही आएगा। पते की बात कही। नहीं तो लेकिन क्या आप ये काम की चीजें जंगली तबीर के बदले दे देंगे उस्ताद? अगर मैं आसानी से मान गया तो हो सकता है कि इसे मुझ पर शक हो जाए। इतनी कीमती चीज मैं हर किसी को नहीं दे सकता। हाँ? कोई बात नहीं, ये पकड़ो। थैंक यू। अरे सुनो, चलो मेरा काम तो हो गया। हेलमेट किसी काम के नहीं, बेकार। लगता है आज शिकार खुद ही करना पड़ेगा। सुनो, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे को हेलमेट दिया था? निकल लो। बात कर रहे तुम? हाँ, दिया तो था। मेरे बेटे का नाम गॉन है और उसके मुंह से मैं तुम्हारे हेलमेट की सारी कहानी सुन चुका हूँ, समझे तुम? तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मैं सब जानता हूँ। अगर बच्चों के सर का उस्ताद शिकारी का हेलमेट है तो बड़ों के सर का भी होगा। लेकिन वो हेलमेट तो नकली है, मैं जानता हूँ। उसने तुम दोनों को उल्लू बना दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सच है। उस उस्ताद ने मुझसे कहा था कि इस हेलमेट को पहनकर मैं उस्ताद शिकारी बन जाऊंगा। बहुत ही अच्छा जोक था। मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। मैं शिकार लाया। चलो 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 एक और शिकार लाया। चलो 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 एक और शिकार लाया। एक और एक और शिकार लाया।
चलो 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 चलो। अप्पा हमने बड़ा शिकार लाया। ये तो मेहमत को भी पकड़ लाया और मैं अपने बेटे के सामने शर्म के मारे पानी पानी हो गया। प्लीज मुझे भी एक उस्ताद शिकारी का हेलमेट दे दो ना, ताकि मैं भी उस्ताद शिकारी बन जाऊं और हर बार शिकार करके लाऊं। मुझे पता नहीं था लोग इतने बेवकूफ होते हैं। तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तुम्हारे हेलमेट के लिए मुझे बहुत मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और इसमें बहुत खर्चा भी आएगा। मुझे बस हेलमेट चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे हेलमेट दे दो। जय हो हेलमेट के एजेंट, दिखा दो अपना कमाल और मचा दो धमाल। बम बम चिकम, पूजा पूरी हो गई। बम बम चिकम, बीच में टांग मत अड़ाओ, मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा। बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम। अरे वाह मच गया धमाल। अरे वाह, अब देखो मेरा कमाल। अब तो नहीं बचेगा। अरे ये क्या चक्कर है, मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकी थी, फिर ये मछली का कांटा कैसे बन गया? देख लिया टांग लाने का नतीजा क्या होता है। लगता है उस्ताद शिकारी की जगह तुम्हें मछली पकड़ने के शिकारी का आशीर्वाद मिल गया है। बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम, चिकबम 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 चिकबम। बस अब देखो मेरा कमाल, अब तो नहीं बचेगा। ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लगता है इस बार खेती करने वाले उस्ताद का आशीर्वाद मिल गया है। बम चिकम बम बम बम, इस बार कोई गलती मत करना। तुम्हारी गलती की वजह से मैं शिकार करने की बजाय खुद शिकार होते होते बचाऊं। पता है, टेंशन मत दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल। अब कोना पकड़ कर बैठ जाओ। बम चिकम बम चिकम बम चिकम बम बम चिकम बम चिकम बम चिकम बम चिकम बम चिकम। हो गया, इस बार हेलमेट अपना कमाल जरूर दिखाएगा। अब मचेगा धमाल, लेकिन इस बार इससे पहले तुम पहनोगे। क्या मैं पहनूं? हाँ, इससे पहले तुम पहनोगे, ताकि मेरे साथ कोई गड़बड़ ना हो। अगर इस हेलमेट ने काम नहीं किया तो मेरी पोल खुल जाएगी। अगर इस बार इसने कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हाँ, इस बार ये अपना कमाल जरूर करके दिखाएगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब मैं मत के बच्चे, तू तो गया। चम्मा 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 चम्मा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस बार हेलमेट को उस्ताद शिकारी का नहीं बल्कि डांस मास्टर का आशीर्वाद मिला है। चम्मा चम्मा, ये मुझे क्या हो गया अम्मा? लगता है कि ये आशीर्वाद काफी तगड़ा है, क्योंकि उसके साथ साथ मेहमत भी नाच रहा है। चम्मा 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 चम्मा। अरे अप्पा नाच क्यों रहे हैं? मैं नाच नहीं रहा हूँ, नचाया जा रहा हूँ। चम्मा चम्मा, कहाँ है कौन की अम्मा? बारिश का मनमौजी बादल। आज तो बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। आज तुम दोनों खेलने मत जाना, लेकिन जाओ जाके थोड़ा पानी ले आओ। हाँ, लेकिन मैं सुबह ही तो पानी लाया था। इतनी गर्मी में जितना भी पानी लाओ कम ही रहता है। अब बारिश होनी चाहिए, थोड़ी ठंडक तो होगी उससे। तुम्हारे अप्पा भी आजकल कुआं खोदने में लगे हुए हैं। हाँ, बहुत दूर जाना है। सच में अगर आसपास पानी नहीं मिला तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। पता नहीं इतनी गर्मी पड़ती ही क्यों है, पूरा हाल हो जाता है। बैंड बज जाती है। अप्पा क्या हाल है? गर्मी से हाल बेहाल है, बाकी समझ लो वही हड्डी वही खाल है। बारिश के बिना सच में कितना बुरा हाल हो जाता है। सही कहा। 1, 5, 25, 75 कुल मिलाकर पता नहीं कितने दिन।
कुल मिलाकर बारिश हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर अभी बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? इंसान और जानवर का शरीर सूख कर पतंग बन जाएगा और हवा में लहराता नजर आएगा। मैं पतंग बनकर हवा में नहीं लहराना चाहता। हम हर हालत में आज पानी लाकर ही रहेंगे और कोई रास्ता नहीं है। शायद आंखों का धोखा था। आज अम्मा के लिए पानी ले ही जाना पड़ेगा। पानी पानी अब भी नहीं मिला। मैंने इतना खोद लिया लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं। अब क्या करूं? मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे ऊपर कौन है? कौन है? भाग क्यों रहे हो? अरे पानी ये कहां से आ गया? पता नहीं ये क्या चक्कर है। अच्छा तो ये सारी शरारत तुम्हारी है? कहां गया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तो ये आधा भी नहीं भरा। मैं तो बहुत थक गया। ये नदी भी लगभग सूख गई है। अगर पानी नहीं बचा तो हमारा क्या होगा? ये क्या चक्कर है? रुक जा। मैं कह रहा हूँ रुक जा। और पकड़ लिया बदमाश बादल कहीं के। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ अरे बारिश हो रही है। अरे बस कर। अरे ये बिजली का झटका क्यों मार रहा है? पकड़ लिया। तोते चिन बादल को छोड़ दो, उसे दर्द हो रहा है। छोड़ दिया। ये मुझे गदगदी कर रहा है। क्या कहा तुमने? आसमान से बादल पकड़ लिया और वो बारिश भी करता है? हाँ ये बारिश भी करता है। गॉन तुम जरा वो फिर से करके दिखाओगे? नहीं उसे हाथ मत लगाना। कौन की अम्मा? लग गया जोर का झटका। ये बादल हम में से सिर्फ गॉन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। तलावट आ गई। इस बारिश के बादल ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। बाद में तुम कपड़े धोने में मेरी मदद कर देना। अब हम हमेशा साथ मिलकर रहेंगे और खूब मजे करेंगे। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। गरम गरम गरम, यहाँ सब कुछ कितना गरम है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही। कितना मजा आ रहा है। फंस गए मछली। ये भी। अरे वाह और मछली फंस गई। मजाक। कौन क्या कर रहे हो? अरे पीको चैट, मुझे से सुंदर लड़की को भी ये नया खेल खेलना चाहिए है ना? वो असल में वो पीको। कितना सारा पानी, मजा आ गया। पीको इतना काफी है? इतने से मेरा क्या होगा? अभी तो मेरे पैर भी ठीक से गीले नहीं हुए हैं। पीको मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। बादल को परेशानी हो रही है। बादल को पानी देने में भला क्या परेशानी हो सकती है? पानी देना तो उसका काम है और उसे देना चाहिए। अरे वो छोटा होता जा रहा है। होने दो उसे छोटा, लेकिन मुझे खेलने के लिए और पानी चाहिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ? अगर ये और छोटा हुआ तो ये गायब हो जाएगा। तुम्हें लेने आए हैं। क्या हुआ? उसे पकड़ कर रखना, वो बहुत काम की चीज है। मैं समझ
किया। तुम्हें तुम्हारे अप्पा के पास जाने से नहीं रोकूंगा। रुक जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ जा रहे हो? हाँ? तुम इतने आसानी से नहीं जा सकते, समझे? अरे वाह, बारिश हो रही है, देखो देखो, मौसम सुहाना हो जाएगा अब्बा, मजा आ गया। मेरे साथ खेलने जरूर आना, हम खूब मजे करेंगे। मेरा नया हेयरस्टाइल बहुत अच्छा है ना, मैं इसे और भी सुंदर लग रही हूँ। मशरूम का चक्कर। मैं आ गया। अरे तुम आ गए, आज तुम शिकार में क्या लेकर आए हो? अब असल में बाहर काले बादल छाए हुए हैं, मैंने सोचा बारिश होने वाली है तो मैं बिना शिकार किए ही आ गया। क्या, कहीं तुम्हारी अकल पर काले बादल तो नहीं छा गए? तुम्हें पता है घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं छाता लेकर शिकार करने जाऊं? हैं, मुझे ये सब नहीं पता। तुम ये सोचो कि शिकार कैसे करना है, क्योंकि मुझे भूखे पेट सोने का शौक नहीं है। मेरा सुंदर चेहरा मुरझा जाएगा। सुंदर चेहरा? चुप जाओ, बारिश बहुत तेज है, जल्दी से सर छुपाते हैं। लेकिन कहाँ छुपो? जगह मिल गई, चलो तो चैन। ये कितना बड़ा मशरूम है, ये मशरूम कम और बड़ा सा छाता ज्यादा लग रहा है। हम यही रुकते हैं। हमारे पास सर्च पारी की जगह तो है, लेकिन आज हमारे हाथ कोई शिकार नहीं लगा और हम खाली हाथ तो घर नहीं जा सकते, अब क्या करें? इसे लेकर चलते हैं। मैं आ गया। अरे गान, तुम आ गए, तुम्हारे हाथ कोई शिकार लगा क्या? शिकार तो आज मुझे कोई भी नहीं मिला। ये तो बहुत गलत बात है गान, तुम्हें पता है ना खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए। अब उसे क्या लेक्चर दे रहे हो, खुद को तो देखो। गान, अपने अप्पा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना बेटा। मैं तो वैसे ही नहीं देता। अरे तोते चैन, ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? इसे मशरूम कहते हैं। हाँ, तुम भले ही शिकार न लाए हो, लेकिन दूसरी मजेदार चीज लाए हो, ये हुई ना बात। चलो आज हम इस मशरूम को ही खाएंगे। रुक जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया। इसे गान और तोते चैन लाए हैं, इसलिए वो दोनों ही सबसे पहले इसे खाएंगे, यही ना? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, असल में वो मशरूम है, इसलिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि कहीं वो जहरीले तो नहीं है, हम उसे ऐसे ही नहीं खा सकते। उसमें जहर भी होता है। कभी कभी कुछ मशरूम खाने से आदमी हंसता ही रहता है। कुछ मशरूम खाने से पेट में दर्द होता है। कुछ को खाने से मुंह जल जाता है। कुछ को खाने से वो सोता ही रहता है, इसलिए उनके बारे में पता लगाना जरूरी है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने इस तरह का इतना बड़ा मशरूम पहले कभी नहीं देखा, इसलिए इसे खाना खतरनाक हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो, गौन इतनी मेहनत से इसे लाया है और तुम इसे खाने से मना कर रही हो, है ना गौन? वो असल में वो गौन, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ साफ कहो, वरना तुम्हारी जुबान जिंदगी भर गले में अटकी रहेगी। मेरी तरह तुम्हारी अम्मा हमेशा कुछ न कुछ कहती रहेगी और तुम हमेशा सुनते रहोगे। कहना क्या चाहते हो? तुम इसलिए कह रहे हो ना कि गौन खाने के लिए कुछ लेकर आया और तुम्हें भूख लगी है? क्या कहा तुमने, सुनाई नहीं देता क्या? बस बस बस, आप दोनों लड़ना बंद करो, हमें इस मशरूम की बात को यही खत्म करते हैं और अब इसे कोई नहीं खाएगा। क्या है, मीठा मीठा मशरूम। ये कैसे हो गया, हम रात में तो अपने घर के अंदर सोए थे, हम बाहर कैसे आ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन दोनों को उठाता हूँ।
गौन और तोते चैन उठो। अरे हम कहाँ हैं? हम बाहर क्यों हैं? तुम नींद में चलते हो क्या? अप्पा चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ चलते हैं। ये क्या हो गया? ये तो वही मशरूम है जो हम कल लाए थे। हम तो एक लाए थे। मुझे लगता है कि मशरूम के बीज कल जमीन पर गिर गए होंगे। और पूरे घर में धीरे धीरे फैल गए होंगे। और उन्होंने हमें घर से बाहर फेंक दिया होगा। अच्छा तो ऐसा हुआ था, लेकिन हम तो यहाँ हैं। तो अम्मा रात को कहाँ चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हारी अम्मा यहाँ नहीं है। गौन की अम्मा कहाँ हो तुम? गौन की अम्मा कहाँ हो? बताओ, आवाज दो। अम्मा। इन मशरूमों की वजह से मुझे अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमें उन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा। ये, 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 कोई फायदा नहीं, इसे हम अपने हाथों से हिला भी नहीं पाए। ये बहुत ज्यादा मजबूत है। बस अब एक ही तरीका बचा है। बस इनमें जहर ना हो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। बहुत कड़वे हमने वो सारे कड़वे मशरूम खा लिए, लेकिन फिर भी अम्मा हमें कहीं भी नहीं मिली। गौन की अम्मा कहाँ हो? गौन की अम्मा कहाँ हो तुम? कहाँ हो गौन की अम्मा? मैं यहाँ हूँ। अम्मा मैं आ गई। मैंने सोचा कि ये गलत बात है कि हर दिन गौन या अप्पा ही शिकार के लिए जाएं, इसलिए सुबह होते ही मैं शिकार पर चली गई। ये देखो। और हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे। मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिली इसलिए तुम सब रो रहे हो ना? नहीं वो बात नहीं है। एक बात कहूँ, तुम सबके सब बच्चे लग रहे हो। अरे हम बच्चे नहीं है। अरे हमने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं आ गई हूँ। नहीं तुम समझ नहीं रही हो। और हाँ मुझे उस मशरूम के बारे में भी पता चल गया है।